Hey guys, good morning. Welcome back to Arnav Thakur Vlogs के चैनल में guys, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। So guys, आप पीछे बैकग्राउंड देख के समझ चुके होंगे आज guys 5 डे है, वो भी MMU हॉस्पिटल में guys, पांचवा दिन है guys आज हमारा। तो अभी guys मॉर्निंग हो चुकी है, रात की जो नाइट रही काफ़ी सही रही थी, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगी बीच में, बाहर ज़्यादा ठंड है हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है guys। तो अभी फिलहाल तुम्हारा भैया है चाय पीने के लिए, तो अभी चाय पी लेते हैं। वैसे कैंटीन भी है यहाँ पे। ओ guys चेक दिस आउट, बंद है अभी मसाला किचन, कैंटीन में जाके पीनी पड़ेगी गाइस चाय, कोई नहीं चलते हैं और कैंटीन में पीते हैं, साथ में कुछ खा लेंगे नॉर्मल सा, उसके बाद आ जाएंगे गाइस यहाँ पे। अराउंड मेरे को लग रहा है कि 10 बजे के आसपास खुलेगी शायद से। चलो अभी पी के आते हैं, बाहर बाहर से चलते हैं, वैसे बाहर का व्यू देखते हैं, दिखाते हैं आपको, हनुमान जी के दर्शन भी करवाते हैं आपको, काफ़ी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की यहाँ पे। बाकी कमेंट में लिख देना गाइस आप लोगों ने जय श्री राम, ठीक है। ये आ रहा था गाइस पीछे से ना, इसलिए मेरे को ब्लॉग रोकना पड़ा, बीच में इतना बड़ा ट्रक आ रहा था, ऐसा ना हो साला ऊपर से ही चढ़ जाए और पेल दे मेरे को। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले तो बच्चे का वेट किया डॉक्टर ने कि कितना वेट है, कल तो 3.200 kg ऐसे, 3 kg 200 g ऐसे कुछ था, आज शायद से नानी जी नमस्ते जी बढ़िया जी, आप बताओ। हाँ जी ठीक, हाँ महाना तो ठीक है, बच्चा ठीक है। हाँ जी अभी तो ऊपरी है, छुट्टी कब तक का हो सकता हमारा वो बता देंगे अभी राउंड पे ना। अच्छा जी अच्छा जी है ना, नॉर्मल डिलीवरी में तो हो जाती है जल्दी छुट्टी, जल्दी हो जाती है। हाँ जी चलो कोई नहीं, ठीक है मैं चाय भी आता है। हाँ जी सो गाइज अभी सिस्टर मिले थे तो काफ़ी अच्छे सिस्टर है गाइज, ये जान पहचान होगी हॉस्पिटल में बीच बीच में किसी किसी से, तो जितना भी है गाइज सब कुछ सही है, तुम्हारे भाई का है, मतलब सारा पूरा स्टाफ का तकरीबन ना, बाकी तो मेरे को पता नहीं गाइस इतना पता नहीं है, बट जो अपना पेशेंट है वो तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड था, तो डिलीवरी काफ़ी अच्छी गाइस डिलीवरी करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए तो ठीक है, आप एडमिट भी हो जाओ तो कोई रिस्क नहीं है आपको, डॉक्टर रहते हैं आपके पास पूरी रात, डॉक्टर रहते हैं और सिस्टर रहती है, मतलब नर्सें वगैरह नर्सें भी रहती है पूरी रात आपके, मतलब अच्छे से मतलब देखभाल करते हैं पेशेंट की, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आ सकते हो आप यहाँ पे MMU में, काफ़ी अच्छी डिलीवरी गाइज आपकी आपसे यहाँ से होगी। बाकी पार्किंग के लिए स्पेस खुला है, देखो आप लोगों को पता ही है पार्किंग के लिए ये बताया ऐसे, आप कहीं पे भी गाड़ी लगा सकते हो, कहीं पे भी मतलब बीच रोड में तो नहीं आप लगा सकते हो, साइड में गाड़ी कहीं भी लगा सकते हो गाइज आप लोग, ठीक साइड को गाइज। ये ट्रक आ गया, नहीं ये तो दूसरा ट्रक है, वो दूसरा ट्रक का कैसे अपनी जगुआर ले लो, जगुआर है किसी की गाइज, इतना गए ट्रक वाला बड़े तकड़े हॉर्न में जा रहा है पीछे से, लपेटने की तादार में है सब यार, ट्रक वाला आएगा आएगा आएगा, आया ना। जितने मैं दिखा रहा हूँ तब तक आप जय श्री राम लिख दो कमेंट में, सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये देखो गाइस श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम कैसा लगा गाइस, है ना मौसम, देखो मौसम ठीक है। तो हनुमान जी के मते में हनुमान जी से दुआ मांगी थी, ठीक है मेरी दुआ तो सुननी है हनुमान जी ने, बाकी आप लोग भी दुआ मांग लेना, आप लोगों की भी दुआ सुन लेंगे। चलो ना कि चाय के बदल कॉफ़ी पी लेता हूँ, क्योंकि चाय तो डेली पी रहा हूँ सुबह शाम दिन में, एक टाइम कॉफ़ी भी लेता हूँ कोई चक्कर नहीं, तो मैं भी देखने में मिल जाएगा गाइज कि हाँ तुम्हारे भाई ने कॉफ़ी पी। लेट्स चेक दिस आउट, यहाँ पे कॉफ़ी की शॉप, एक कॉफ़ी कर लेता हूँ ठीक है, एक कॉफ़ी करना भैया। चलो आपके लिए मैं प्राइस भी पूछ लेता हूँ, कितने प्राइस में भैया? 30 रुपये की कॉफ़ी मिलेगी गाइज आपको यहाँ पे, ओके आओ कॉफ़ी पियो, गर्मा गर्म कॉफ़ी, ऊपर से धूप लगी हो गाइज और यहाँ पर हम कॉफ़ी पियेंगे बैठ के आराम से, ठीक है मज़ा आने वाला है बहुत। ये रही गई कॉफ़ी, आ जाओ आप लोग भी कॉफ़ी पी लो, ये तो पी ली गई तुम्हारे भाई ने, पर एक सच्ची बात बताऊँ किस हिसाब से रेट है ना उसे कैसे हो भाई जी, एक बात बताता हूँ गई कॉफ़ी तो तुम्हारे भाई ने पी ली, ठीक है टेस्ट अच्छा अच्छा है ठीक ठाक है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, बट जिस हिसाब से रेट है ना उस हिसाब से गिलास गिलास का साइज़ गए जितना सा 30 रुपये वही करके ना कि हाँ एमरजेंसी में बंदे को पीनी तो है ही इसीलिए गए। बाकी यहाँ पे जो कैंटीन वाले ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, एटीट्यूड कि साला कोई कॉम्पिटिटर कोई खड़ा है नहीं साथ में, तो हमें जैसे मुझे गलत सबसे बेस्ट है गाइज आप लोग आओ ठीक है,
थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, बस मसाला किचन में जाओ, खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और साथ में वहाँ पे सुपरमार्केट की शॉप भी है, जो मुझे सामान ले लो वहीं से खाओ। बाकी कैंटीन ऐसी कैंटीन है गाइस, ना इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है कुछ, मतलब कुछ बेस्ट नहीं कह सकते हैं। खाना भी ठीक ठाक ही है, मरीजों लायक खाना है। बाकी आपने अगर खुद के लिए खाना है तो कुछ अच्छी जगह पे जाओ, मसाला किचन में जाओ, वहाँ पे आप खा सकते हो। बाकी देखा नहीं आपने इतना सा गिलास कॉफी का, साला 30 रुपये। मैं कल के ब्लॉग की ना एडिटिंग कर रहा था, तो अभी कब्बू की कॉल आई थी मेरे को, तो कब्बू ने मेरे को बुलाया है। और गाइस यहाँ पे ना नानी जी के हमारे रिलेटिव रहते हैं कोई ना, जो कि इसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो ना डेली हमें आज 5वां दिन है ना गाइस, तो डेली खाना लेके आ रहे हैं बेचारे, मॉर्निंग का खाना वही लेके आ रहे हैं, तो हम ब्रेकफास्ट उसी के साथ कर रहे हैं। तो उनको ना ऐसे लोगों को गाइस शुक्रिया अदा, ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस जैसे लोग। पर्सनली मैं भी काफ़ी हेल्प करता हूँ जितनी मैं कर पाता हूँ गाइस, और जितनी लोग कर पाते हैं ना गाइस उतनी हेल्प कर लेनी चाहिए यार किसी की भी। तो पर्सनली गाइस वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यार, तो दिल से शुक्रिया गाइस उनके लिए भी। शायद से वो हमारा ब्लॉग तो नहीं देखते, बट फिर भी पीठ के पीछे दिल से शुक्रिया गाइस उनको। तो अभी चलते हैं गाइस और चलो और खाना वगैरह खा लेते हैं। नानी जी को मैंने चाय पीने के लिए भेजा था, मेरे से पहले आ गए थे नानी जी, और शायद से ना नानी जी भूल चुके हैं कि कौन से फ्लोर में हम थे और कौन से रूम में हम थे। तो चलो अभी नानी जी को ढूंढता हूँ, अभी लेके चलते हैं नानी जी को, पहले सबसे पहले खाना खिला देते हैं गाइस। ओके चलते हैं, अभी एंट्री करते हैं। ये रहा गाइस, सिर्फ चलने का सिस्टम है गाइस, बाकी जो यहाँ पे लिफ्ट है ना, तीन तीन लिफ्ट है, तीनों बिजी रहती है। पर्सनली मैं को तो कभी मैक्सिमम टाइम तो मैं ऐसे पैदल ही चला रहता हूँ, पौड़ियों से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाकी लिफ्ट है जो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है लिफ्ट है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ, डॉक्टर आए थे ना, बड़े डॉक्टर आए थे चेकअप पे, तो बच्चे को थोड़ा सा पीलिया बताया हुआ है, तो उसका चेकअप करवाने के लिए आए हैं। बोलते थोड़ी देर लाइट में रखेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा बोलते बेबी। तो अभी आए हैं गाइस चेकअप करवाने के लिए, तो रख लेंगे थोड़ी देर लाइट में, और बाकी इंजेक्शन वगैरह भी लगते रहते हैं ना, कल भी लगा था, तो बच्चा थोड़ा चिल्लाता है उस टाइम, तो कोई बात नहीं, लाइट में रख के भगवान जी ठीक हो जाना चाहिए बस बच्चे का पीलिया हमारे। गाइस अभी तुम्हारा भाई आया बिलिंग करवाने के लिए, जिस मशीन में उसको रख रहे हैं ना उसकी बिलिंग वगैरह होगी कुछ, ठीक है। तो उससे पहले डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को दूध वगैरह पिला लो, और फिर उसके बाद ही उसको रखेंगे मशीन में, लाइट वाली मशीन में। जितनी देर को हमारे बच्चे को ना अभी चेकअप के लिए रखा है ना, पीले के चेकअप के लिए, तो तब उतनी देर में सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए टोपी लेके आता हूँ, सिर में लगाने वाली गर्म टोपी। बस देख लो, मैं टोपी देखने के लिए आया था सिर में लगाने के लिए बच्चे की, तो दीन ने ना मेरे को 3-4 आइटमें दे दी है कि आप चेक करवा के लेके आओ, और दो टोपियाँ थी, मेरे को डाउट था कि एक खुली हो सकती है एक टाइट हो सकती है, तो दीदी ने कहा कि आप जाओ चेक करवा के आओ, अगर जो भी सामान आपको पसंद आता है, तो इसमें एक पूरी किट है जिसमें कि ऊपर का ड्रेस भी है और नीचे का भी है और टोपी भी उसी में, तो एक विश्वास होता है गाइस, और उस विश्वास को ना कभी तोड़ने नहीं देना, ऐसे किसी पर ट्रस्ट करोगे ना आप, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ कि आप ऐसे किसी पर ट्रस्ट करोगे ना, तो उसका ट्रस्ट मत तोड़ना, अगर कोई आप पे इतना ट्रस्ट करके आपके पास सामान दे रहा है। तो दीदी ने कहा कि बिलिंग बाद में कर लेना और सिर्फ आप चेक करवा के लेके आओ, तो ये ट्रस्ट होता है गाइस। चलो गाइस अभी चलते हैं वापस देख के आते हैं, कब्बू ने पसंद जो की है ना टोपी, एक टोपी इसमें से पसंद कर ली है कब्बू ने। फाइनली अभी तुम्हारे भाई को ना नहाने के लिए जगह मिल चुकी है, सुपरमार्केट में 2-3 बंदे थे यार, उन लड़कों से मैंने पूछा कि मैं को नहाना है, तो मेरे को बताओ इतने दिन हो चुके थे, मैं हाथ मुँह ही तो ही जा रहा था, आपसे क्या छुपानी बात यार, बिल्कुल क्लियर बात है। तो बंदे ने बताया यार कि आप लोग जाओ, आप भी आप जाओ, और जहाँ पे हम नहाते हैं आप वहाँ पे नहा लो, रिलैक्स होंगे, यहाँ पे किसी लगाओ गैस, गर्म पानी निकालता हूँ और नहाता हूँ गैस फटाफट से। बाकी मैंने फेस वॉश वगैरह और शैम्पू कंडीशनर परफ्यूम वगैरह सब कुछ ले लिया है, ठीक है, अभी नहा लेता हूँ गैस, फिर मिलते हैं आपसे, कपड़े ये रहने वाले, बाकी फ्रेश हो जाऊँगा गैस नहा के ना, सिर के पूरा हुए देखो, तो ऐसे बंदे होने चाहिए जैसे आज हेल्प कर रहे हैं मेरे बंदे, जितने भी बंदे मेरे को मिले सारे मेरे हेल्प कर रहे हैं, तो चलो गैस फटाफट से नहाते हैं, ठीक है। बस फाइनली अभी रात के बज चुके हैं 10, और मासी और रह गए थे खाना खाने के लिए ना, मैं तो टाइमली खा ली थी कैंटीन में खाना, तो मासी आ चुके हैं गैस, मासी बेचारे मासी रह गए थे, तो हम कब्बू के साथ कर रहे थे ना, कभी डॉक्टर बुला रहे थे क्योंकि अभी भी हमारा बच्चा अभी मशीन में ही है, जो कि पीलिया का इलाज चला हुआ है उसका, तो मासी रह गए थे, कैंटीन बंद हो चुकी थी, दो कैंटीन है यहाँ पे, दोनों की दोनों बंद थी, अभी मासी आ चुके हैं, और भैया ने भी क्लोज़ कर दिया था गैस, अभी भी बैठे हैं पूरे, तो इन्होंने भी क्लोज़ कर लिया था, ये भी मसाला किचन भी क्लोज ही हो चुका था, तो फिलहाल अभी बोलते कोई बात नहीं, अब आ चुके हैं तो बना देते कुछ ना कुछ, बाकी कुछ भी नहीं था खाने को, तो सैंडविच ऑर्डर करवाया फिर हमने कि चलो सैंडविच बना देते आपके लिए, क्योंकि जो यहाँ के कुक है ना गैस वो चले गए हैं, सच में क्लोज हो चुका है ये। फाइनली आ चुका है हमारा सैंडविच, देखो गाइस जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, देख लो साथ में हमारा कोक है जो कि मासी मना कर रहे हैं पीने से, टाइम और मासी का गला खराब हो सकता है, तो चलो गाइस करते हैं शुरू खाना, ठीक है।